रामेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार यहीं से प्ले होता है। मैं खड़े होकर के एक बार कहूंगा सबके लिए, कोई भी ऐसा भक्त हो इतनी बड़ी पब्लिक में, इतने बड़े भक्तों में, इतनी बड़ी जनता जनार्दन में, मैं सभी लोगों को देख नहीं पा रहा हूं, एक बार खड़ा हो जाऊं कि आप लोगों की इच्छा हो तो। अरे खड़ा हो जाऊं, देख तो लो पहले, सबके दर्शन तो करो, अब तो बोलूंगा ना। सबसे पहले नंबर, यहां से लेकर के आचार गणों को बस छोड़ करके जितने भी यहां पर बैठे हो, आप सबके बीच में जितने भी लोग हो जो चाहते हो कि ये सब कपोल कल्पना है, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा भक्त यदि कोई हो तो खड़ा हो सकता है और हमसे प्रश्न कर सकता है और पूछ सकता है। लेकिन अगर हम नंगा करें, अगर हम उसके राज बोले बाप के, मताई के, कक्का के, भौजी के, तो फिर मुझसे आप लोग नहीं कहना, बाकी आप लोग खड़े हो सकते हैं। आ जाओ, बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की। खड़े हो जाओ भैया, खड़ो खड़ो, चलो जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ इनके लिए जोरदार तालियां। अगर ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार में शक्ति होगी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, इनके मुंह पर तमाचा मार दिया जाएगा। जरा जोरदार तालियों के साथ में भैया आ जाओ, कहां गए वो? अच्छा विकलांग है, अरे अरे कोई बात नहीं। अरे भैया विकलांग होने के फिर भी तुम सुधरे नहीं यार, फिर भी तुम बब्बा जी की परीक्षा लेके आ रहे, चलो कोई बात नहीं। माइक दो जरा उनके पास में, माइक दो भैया के पास में, दो मिनट का भैया आपको जो समय देंगे। आपका नाम क्या है, नाम बोलिए? अजय सेन। ये हो अजय सेन, क्या करते हैं भाई साहब? कहाँ, यहीं से हो कि कहीं बाहर से? अच्छा कथा सुनने रोज आते थे? आ जाएंगे परीक्षा ले भर, हाँ चले आए, जोरदार ताली बजाई जाए, कोई बात नहीं, ले ले दो। पहली बार आए हैं, मैं आपका पर्चा बना रहा हूं, आप जिसको चाहे, आगे से पीछे में से, खड़े में से, बैठे में से, माताओं में से, बहनों में से, जिसको आप लेकर के आएंगे पर्चा उसी का होगा, और यदि आप अपना आदमी बदल लेंगे तो पर्चा अपने आप बदल जाएगा। मैं पर्चा बना करके रखता हूँ। चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी देखो ये किस्मत की बात होती है, आज सबने मेरे स्टाफ में चर्चा की, बोले गुरुजी जैसे शायद आपसे कोई बीच दरबार में पूछ ले कि हमारे बप्पा का नाम क्या है, तो गुरुदेव मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम लोग यार दो दो तीन तीन साल से काम कर रहे हो ब्रह्मेश्वर धाम में, आपको विश्वास नहीं है? बोले गुरु जी विश्वास तो है लेकिन अभी भी आस्था डगमगा रही, तो आज वो भी समझ गए होंगे, वो भी समझ गए होंगे गुरु जी। बोलिए बालाजी सरकार की। अरे राम, अच्छा परमात्मा भी उसी को तोड़ता है जिसको वो देख लेता है कि ये ज्यादा टूटा है। आप लोग सीताराम का जाप करते हैं, बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की। यहाँ पर कुछ भैया रखने के लिए तो दो, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। हाथी बन जाए राज बालाजी सरकार से बालक की रक्षा करना परीक्षार्थ भाव है, कोई बात नहीं, हम अपनी कलम चलाना प्रारंभ करेंगे। जहाँ से भाई साहब तुमने सोचा होगा वहाँ पे हमारा दायन हो जाता है, जरा जोरदार ताली बजाई।
बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की, बोलिए बजरंग सरकार की। यहां से इन लोगों को थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। गोकुल पटेल का नाम लिया था, गोकुल अहिरवार कौन है भैया? आ जाओ, आइए गोकुल अहिरवार जी, जो भी हो हमारे पास तक्षण आए। गोकुल अहिरवार जी, हम एक नहीं, आपने एक कहे होंगे, हम आपके दो दो पर्चे बनाएंगे। ब्रह्मेश्वर बालाजी में यदि ताकत होगी तो यही दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेलारे पहलवान होता है। और जहां पर अब समझो चारों तरफ के नेटवर्क फिक्स हो वहां तो फिर कहने क्या है। माइक लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं, कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है? कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, हमारी कमेटी में से नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये कमेटी में से कोई नहीं आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसका कमेटी में नाम ना हो वो आ सकता है? बिल्कुल आ जा, कक्का कहना, अब चलो कोई दिक्कत नहीं, आजा आजा आप बिल्कुल। दो कक्का के कौन है? चलो तो ये अपनी खुलवाओ नहीं है, चलो आओ आओ, चले आओ चले आओ, कक्का स्वागत है, यू आर वेलकम, आइए पधारिए। मेरे पास गोकुल अहिरवार का पर्चा ये है, आप हमसे कभी मिले तो नहीं है? माइक से बोलिए हाँ या ना, माइक चालू करो। नहीं नहीं मिले हम। आप मुझसे कभी मिले तो नहीं है? नहीं, नहीं। आपने मुझे अपना प्रश्न तो नहीं बताया? आपने कोई समस्या तो नहीं बताई? आप मेरे सेटिंग वाले तो नहीं है? हनुमान जी की सौगंध है अगर सेटिंग वाले तुम हो मेरे तो नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, गोकुल अहिरवार जी के पर्चे पर आ रहा है कि आपके घर पर सर्प के काटने से एक मृत्यु हुई थी, हाँ या ना? ताली बजा सकते हैं आप लोग। अभी नंगा नहीं किया, अभी करूंगा, क्योंकि अब क्रोध आ रहा है, अभी जागृत नहीं हुआ, अब उबल रहा है। अभी तो ये पहली, अभी तो ये हेडिंग क्या, अभी तो हेडिंग ही डली है, अभी तो ये ट्रेलर है। यहाँ से तो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के दरबार को प्ले किया जाता है। ये कोई और सरकार नहीं है कि तुम गप उड़ा लोगे, समझ रहे हो ना? गप उड़ाने वाली सरकार नहीं है। हम बताएंगे आपके गोकुल अहिरवार के घर पर एक मृत्यु हुई सर्प के काटने से, लड़की के लिए आप लड़का देख रहे हैं, हाँ या ना? में जवाब दीजिए, ताली बजा सकते हैं। बोलिए बालाजी सरकार की। आप लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। सात लोग एक गुलाब का पुष्प और नारियल लेकर के आए, पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की, हाथी बन सरकार की। पर्चे पर भैया स्क्रीन पर दिखाइए पर्चा। अरे नहीं ऐसे पड़कक्का, हम कौन लोग आई, अरे छूने नहीं है दबती, अरे पढ़ो इनमें पढ़ो। हाँ, ये एक मृत्यु सर्प के काटने पर हुई है, एक लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। जोले पूरी साइड लो, आशीर्वाद है, पीला कपड़ा, नारियल, सात लौंग बांधे, आशीर्वाद है। लिखा है कि नहीं? जोरदार ताली बजा सकते हैं। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की।
ये परमेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार है, किसी और का नहीं है। कि तुम गप पढ़ाओ यार, थोड़ी समझो। हम 7 दिन से मोह भी चला रहे, 5 दिन से तुम लोगों को समझा भी रहे कि भैया मैं केवल कथा बस नहीं करता, ब्रह्मेश्वर बालाजी की अटूट कृपा मानता हूं मैं अपने ऊपर, बालाजी सरकार की। लेकिन फिर भी भैया माइक पकड़ाओ उनके पास, जरा भैया के पास, सेन साहब के थे। आप प्रसन्न है कि नहीं? प्रसन्न है, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो भैया, नाराज मत होना कि समय, कोई बात नहीं, लगने दो। इनका एक और क्वेश्चन है, एक और इनका क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय देंगे आप मुझे। लीजिए पकड़िए, ब्रह्मेश्वर बालाजी का दरबार है, किसी बच्चे का खेल नहीं है। जोरदार ताली तो बजाओ यार। बोलिए बालाजी सरकार की। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की। बोलिए बजरंग सरकार की। कौन दूसरे सरकार को बता चेला? हाँ या ना, मेरे जवाब। अब के नहीं, किसी पर कोई दबारा नहीं। उसका भाई जब उसकी इच्छा है कि हमें पूछना है तो मैं पूछना है तो तुम पूछो, लेकिन अगर उसकी पोल अभी हम खोलेंगे तो तुम्हारी भी खोलेंगे, ये ध्यान देना, क्योंकि ये बप्पा जी का खेल है। मैंने पर्चा बना लिया, इनका प्रश्न मैंने नहीं सुना है, मेरे पास इनका पर्चा रखा है, पूछ सकते हैं आपको क्या पूछना है? मेरे पापा के पापा का क्या नाम था? भैया तुम्हें पता नहीं है पापा के पापा का नाम? मुझे तो पता है, आपसे पूछ लिया। कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आ जाए यार, इसने तो मेरा दिमाग कचड़ा ही कर दिया। महाराज जी, आचार्य जी, लोगों में से कोई एक आ जाए, मेरा निवेदन है। एक आचार्य जी लोगों में से आ गया, एक कोई पढ़ा लिखा इनके घर का व्यक्ति है क्या? कोई यहाँ घर का व्यक्ति है? आ जाओ भैया। मैंने पर्चा ये बना लिया, इनके पर्चे पर ये पूछ रहे बब्बा का नाम, बब्बा का नाम पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आपके बब्बा का भी नाम बताएंगे हमारे पास। बहू को तो नहीं चाहने? चाहने हो तो बहू को धक्के, हमारे पास तो दो ही नाम अधरे, बहू को धरो बब्बा को, अगर कहा तो तुम्हारी घरवाली को। लेकिन हमारे वाईफाई में घरवाली और आ रही, वह घरवाली नहीं। अगर जाना तो बजाओ ताली जोरदार। बोलिए बजरंग सरकार की। हम खोलेंगे इनके राज, इनको करेंगे। आपके पप्पा का नाम क्या है? आपके पप्पा का नाम मिर्चाई, आगे मिर्चाई लाल सेन। अजय सेन अपने पप्पा का नाम पूछेंगे, एवं पप्पा का नाम मिर्चाई लाल सेन है। महाराज जी यहाँ पढ़िए, पर्चे पर पढ़िए। अजय सेन अपने बब्बा का नाम पूछेंगे, एवं बब्बा का नाम मिर्चाई लाल सेन है। जोरदार ताली बजा सकते, नाक रगड़ के कर प्रणाम। बोलिए नाक रगड़ के करो प्रणाम वहीं से। क्या लगा दरबार को देख करके? खुश हुए? खुश हो? पूरे पब्लिक का बताओ कि खुश हैं हम? खुश हैं हम। है कुछ सत्यता? कपोल कल्पना तो नहीं है? जोरदार ताली बजाई जाए। बोलिए बजरंग सरकार की। जे कौन 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 सरकार है के बप्पा को ना पूछो, सुबह पछाड़ी की पछाए दे भगे गाड़ी में बैठ के। अरे हम नंगो घर देवी है तई पकड़ो, ले जे पकड़ा भैया अपना पर्चा पकड़ो। इनके बप्पा का नाम है मिर्चाई लाल से ऊका मिर्चाई मिर्चा। बोलिए बालाजी सरकार की। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। भैया आपके बारे में और मैं बता रहा हूँ, आप जब नहीं, मैं और बता रहा हूँ, आपके परिवार वाले कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे, 2 साल के अंदर आपके घर में 4 अकाल मृत्यु हुई है, हाँ या ना, मैं जवाब दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही प्रथम दिन ही कहा था कि जहां से तुमने स्टार्ट नहीं किया होगा बोलना, वहां पर मैं विराम करता हूं, ये ध्यान देना। जहां से तुम्हारा द एंड, वहां से हमारा प्रारंभ होता है।
आपके घर पर चार अकाल मृत्यु हुई है, कैंसर से भी कोई व्यक्ति आपके घर पर खत्म हुआ है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आज के बाद पकड़ो कान, बोलो हे बालाजी, आज के बाद कभी परीक्षा नहीं लेंगे। अगर मौका लगेगा तो क्यों नहीं लेंगे। बोलिए बालाजी सरकार की। अबे मतलब तभी तुमको शंका है। यहाँ देख लिया तुमने, यहाँ तो नहीं है। अब ना तो माओगे नेटवर्क में हमारे, ये हमने बताया नहीं है सरकार में, मत गिनती लेना दद्दा। मैं पहली बार ही महाराजपुर में प्रोग्राम करने के लिए, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के महाराजपुर में मैंने कभी कार्यक्रम नहीं किया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रोग्राम लेता हूँ, बाकी मेरे आउट ऑफ स्टेट कार्यक्रम रहते हैं। लेकिन पता चल गया कि महाराजपुर के आदमी भी खूब पढ़े लिखे हैं, आज पता चल गया। बोलिए बालाजी सरकार की। चलो आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज की, खूब कृपा बरसत रहा है बेटा। तुमने अगर इतना प्रश्न किया, इस बच्चे पर कोई गांववासी जोर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर इस बच्चे ने जोर किया है तो एक बात और याद देना, तुम लोगों की आंखें खुल गई होंगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो इसी कपोल कल्पना के अंतर्गत आप लोग यही देखते रहते हैं कि सब ये फर्जी चल रहा है, सब अफवाह चल रहा है, सब कपोल कल्पना चल रही है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब ध्यान देना, अब मैं तुम्हारे इस इन नाम में बप्पा और बऊओ घरवाली के नाम में परेशान नहीं रहूंगा, आगे की समस्याओं का भी समाधान करूंगा। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। इसी गांव के हो? धन्यवाद भैया, आशीर्वाद। बराजो प्रसन्न हो? प्रसन्न। लो भैया ताली बजा सकते हो। बोलिए बालाजी सरकार की। चलिए आगे सीताराम का जाप करें, हम आपको बुलाएंगे। आगे एक आदेश आ रहा है, कोई बाहर से, इस गांव के नहीं होंगे, कोई बाहर से होंगे, देवकी नंदन तिवारी जी, अगर कोई यहां पर हो तो वो आ सकते हैं। यहां के नहीं है, बाहर के हैं, बाहर से आए हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, अगर वो हो तो आ सकते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार है, नहीं तो पर्चा तो रखा ही है। देवकी नंदन तिवारी जी, अगर कोई यहाँ पर हो तो आ जाए, नहीं है तो मैं पर्चा रखा हूँ बाद में, लेकिन दूंगा नहीं। मैंने आदेश 3 दिन पहले डाल दिए थे तुम्हारे यहाँ के, आदेश पास नहीं हो रहे थे। 3-3, 4-4 दिन से मैं लगातार परेशान रहा, लगातार मैंने आपके 3-3, 4-4 दिन आदेश डाले हैं, और खूब मेहनत से मैंने आदेश लिख लिख करके, पप्पू बता सकते, रात रात भर मैं जागता रहा, रात रात भर मैंने आपके यहाँ पर, यहाँ के लिए बड़ी मेहनत की, दिव्य दरबार के लिए, कि भगवान आदेश पास हो जाए, हम दिव्य दरबार लगा दें, आदेश पास हो जाए। आनंद कितने लोगों को आ रहा, जरा हाथ तो उठाओ। बोलिए बालाजी सरकार की। बोलिए बजरंग सरकार की। अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। अब एक लबेरिया और खोल ले, देखो इस गांव का मैं लबेरिया तो एक खोल के जाऊंगा, ये तो मेरा वचन है। अब शायद मुझे कुछ हो जाए लबेरिया तो मैं खोलूंगा, एक ना एक का तो लबेरिया ऐसा खोल के जाऊंगा कि वो उसको अपने जन्मजात की याद आएगी कि गुरुदेव ने क्या कर दिया। हमको सबके बारे में पता है, मत ऐसा करो। यहाँ पर जितनी बहनें जितने भाई बैठे हों, मत ऐसा मन में सोचो। मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही, मैं किसी के बारे में, इसलिए मैंने सुबह तिवारी जी से जब फोन पर बात की तो मैंने एक ही बात कही थी कि भैया तिवारी जी एक काम करना, मेरा पॉजिटिव से पहले नेगेटिव पर्चा चलता है। हमारे गुरु जी ने एक दिन हमको पंडोगर सरकार ने अंदर बैठा दिया कमरे में, बोले आज हमारा स्वास्थ्य खराब है, ब्रह्मेश्वर दरबार लगाएंगे। सो हमने 2-3 के नेगेटिव खोले, पर्चा सुबह भगे सब गुरु जी की ओर, बोले गुरु तुम आओ 20 और तुम आओ चेला है 40, वे तो पॉजिटिव से पहले नेगेटिव लिखा, वे तो बात ही नहीं कर। बोलिए श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। जिनके पिता का नाम, अच्छा यहाँ मैंने ये देखा है पटेल, पटेल समाज ज्यादा है, जरा हाथ उठाना।
हाँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पटेलों के नाम मेरे पर्चे पे बहुत आ रहे हैं, जिनके पिता का नाम धर्मदास पटेल हो और जिनके बालक का नाम परमलाल पटेल हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो या उनका घर का व्यक्ति हो तो वो हमारे पास आ सकता है। बोलिए बालाजी सरकार की, है कि नहीं है? है, है। ताली बजाओ ना। बोलिए श्री परमेश्वर धाम की। बोलिए श्री बजरंग सरकार की। अभी कोई मंदिर बनवाया है क्या बालाला जी का किसी का? आया नाम जवाब दीजिए। बालाजी धाम के मंदिर अपने मकान पे क्यों जला रहे? हम हमें पता है, जैसे देख रहे हैं, हम पूरा घर देख रहे हैं, कहाँ तुम्हारे पैसा धरे, कहाँ तुम्हारे ATM धरो, कहाँ तुम्हारे बैंक के खाते धरे, हमें सब पता है, पता है ना? तुम्हारा नाम का है धर्मदास के परमलाल, दो साथी तुम्हारी मुंह है भाई, हाँ है ना? हमें से बात करो। बोलिए बालाजी सरकार की। जोरदार बजाओ ना ताली। बोलिए श्री परमेश्वर धाम की। और जोर से बजाओ ना। कोई बात नहीं दादाजी, आप मेरे पिता तुल हैं, आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आशीर्वाद है बालाजी सरकार की। मेरे पर्चे पे एक छोटा सा प्रश्न आया है, जितना मेरे पर्चे पर आएगा उतनी मैं बात करूंगा और जितना मेरे पर्चे पे नहीं आएगा मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि भैया मुझे आता नहीं है। सो आप लोगों को गाली देना हो सो भूख देते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पर्चे पर आया है, परमलाल की पहली वाली पत्नी खत्म हो गई थी, आपने दूसरी शादी की थी, दूसरी वाली पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ताली बजाओ, परेशान रहते हैं, सभी जगह दिखा लिया, डॉक्टरी दवाई काम नहीं करते हैं, घर पर उपद्रव बनता है, कलेश बनता है, ठीक नहीं रहता है, मन में बेचैनी उठती है, मन अशांत रहता है। जो पत्नी हो इनकी वो खड़ी हो सकती है अगर यहाँ पर हो कोई तो। बोलिए बालाजी सरकार की। पत्नी आई है का? कोई बात नहीं, यही प्रश्न है कि दूसरा? माइक से बोलो। हाँ यार, यही प्रश्न है, दूसरा कोई नहीं। जोरदार ताली बजाएगा। आप लोग इस चीज के लिए क्या कहेंगे अब? कपोल कल्पना कहेंगे कि बालाजी की कृपा। कितने लोग चाहे हमारे उसमें सहयोग कर रहे हैं बताना, सहमत कितने लोग? सभी लोग हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। यहाँ पर हमारी बैटरी चार्ज हो रही, गुप्त रूप से हमारे बड़े भाई आए हैं लेकिन बताएंगे नहीं कि कहाँ हैं, नहीं तो तुम लोग देखोगे बैटरी चार्ज हो रही, हम कहे बिना माने नहीं। तो बड़े भाई आए लेकिन बताएंगे नहीं कि कहाँ बैठे हमारे बड़े भाई, लेकिन आए हैं, यहीं पर हैं, वो बैटरी चार्ज वो करवा रहे हमारी, क्योंकि बड़ा भाई तो भी गुरु तुल्य होता है और पिता तुल्य भी होता है, रामचरितमानस की कथा कहती है। तो बड़े भाई साहब हमारे आए हुए हैं, जरा जोरदार ताली तो बजाओ उनके लिए, बताएंगे नहीं क्योंकि वो वक्त में आए हैं, वो राजे हैं, अब राजे रहेंगे अपने आप को, जय श्री राम अपना निकल जाएंगे। हाँ, जोरदार ताली बजाओ जरा, और जोर से बजाओ ना। बोलिए बालाजी सरकार की। एक नारियल एक लाल कपड़ा सात लौंग घर पर बांध करके रख दें, प्रतिदिन पत्नी के हाथों से घी का दीपक जलवाएं, घर पर प्याज लहसुन मांस मदरा इत्यादि घर पर बंद रखवाएं, पूर्ण कृपा होगी, कल आकर के झाड़ा लगवा ले, हो सकता है कल भी दिव्य दरबार लगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। बोलिए बालाजी सरकार की। चलिए आ हो वो आ सकता है जिसकी राजकुमार की पत्नी भाग गई हो, राजकुमार की पहली पत्नी भाग गई, दूसरी विवाह उसने भी किया और वो अपने घरवाली को लेके दुबई चला गया, उठाओ ना जोरदार तालियों के साथ। बोलिए बालाजी सरकार की।
बोलिए श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। आइए आइए माताजी के साथ कोई भैया जेंट्स भी आ जाए, पिताजी भी उनके माताजी आ जाओ। कितने लोगों को आनंद आ रहा है, हमारे शास्त्री जी ने दिखा रहे कहां गए हमारे तिवारी जी। बोलिए श्री बालाजी सरकार की। हमारे भगवान दास शास्त्री जी ने दिखा रहे आनंद आ रहा है तिवारी जी। अरे माइक दो यार, तिवारी जी को पकड़ाओ भाई माइक, वो बताएंगे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु धाम सरकार की जय। जब हमारे नगर वासियों को एवं समस्त अगल बगल के महान भाव भक्त जो पधारे हैं उनको आनंद आ रहा है तो हमको तो आनंद आएगा ही आएगा। चलो भैया, और कोई झूठ बात तो हो ही नहीं है कि महाराज जी कभी यहाँ आए हो, पहली बार आए हैं और सत्य सत्य बता भी रहे हैं, तो शंका किस प्रकार की हो सकती है? बीच में किसी प्रकार की शंका हो ही नहीं सकती है। बोलिए श्री बालाजी सरकार की जय। बोलिए विष्णु धाम सरकार की जय। चलिए कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आ जाए, क्योंकि इनको पढ़ नहीं पाना है पर्चा। कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आ जाए तो यार सीता राम मनोहर वाणी लिया बा चाय पे बाबा पानी पानी यानी पिला के जाओ थोड़ा। अब आपने तो बैठा दिया गुरु जी को अखंड के, गुरु जी के पछाड़े से बैटरी लगी हो सो हम दो चार जो चलन दो गुरु जी का घंटा को, थोड़ा पानी यानी भी पिवाओ ना हमें यार। पानी कोई पिवाई नहीं रहा हमें, न किसी ने चाय के लिए पूछा न पानी के लिए पूछा है। भैया पानी पिलाते जाओ, अगर दया लग रही हो गरीब ब्राह्मण पर जरा पानी को पिलाती जाओ। आप किसके साथ हैं, किसकी इनके परिवार में किसी का नाम पार्वती पटेल है? माइक से बोलो। जोरदार ताली बजाएं। आपके कोई राजू पटेल कोई किसी के करंट से मृत्यु हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने आपसे उस दिन ही बोला था कि मेरे पर्चे में वहां से स्टार्ट होता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने उस दिन आपको इसीलिए बता दिया था, राजकुमार की पत्नी भाग गई थी, अंगूरी नाम की पत्नी से उसकी दूसरी शादी हुई थी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अभी दुबई में है, बाहर है, कर्ज से परेशान है एवं ओम प्रकाश की भी मृत्यु हुई थी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बुब्बा जी घर पर पितृ दोष चल रहा है, आपके पितृ दोष की पूजा नहीं हुई है, आपके घर पर पितृ दोष की पूजा कराएं, नहीं तो आगे चल करके कोई खतरा और बन सकता है। और यदि पितृ दोष की पूजा करा दी तो जाओ आशीर्वाद है, लौट करके सिर भी दर्द नहीं होगा, आशीर्वाद है। बोलिए बालाजी सरकार की। पितृ दोष की पूजा करा दे, पितृ दोष की पूजा हो जाएगी। पितरों में जाकर के जब हड़ा बप्पा लगा, हड़ा बप्पा, हड़ा बप्पन में पितरों की पूजा कराना है। नासिक के साथ और कौन है भैया? आप कौन है? हाँ तो इनको पितरों में इनको बता देना, अच्छे से समझा रहे हो, मेरी भाषा समझ में नहीं आई होगी उनको अपने हिसाब से। सरपंच की चाचा है कांगो, सरपंच सरपंच ये प्रधान मंच के पास आए। ये प्रधान जी देहरावे, प्रधान जी हम मिल रहे भी हो रहे। बोलिए बालाजी सरकार की। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रधान का रामायण है का दो खोल दे महाराज, चुटकी दावे देखकर खड़ी हो जाए। प्रधान डर रहा है बेचारा। आइए प्रधान जी, आप चिंता मत करिए, मैं किसी के राज खोलने के लिए नहीं आया, मैं तो मात्र यहाँ बालाजी की दिव्य शक्तियों का प्रचार प्रसार और आप लोगों के कल्याण हेतु ये यज्ञ कराया जा रहा है। बोलिए बजरंग सरकार की। मैंने इस पर लिखा है पार्वती पटेल
इनके पुत्र राजू पटेल, इनके पुत्र राजकुमार ओम प्रकाश एवं अंगूरी नाम की पत्नी से शादी हुई थी। ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ उस दिन प्रसाद पाने गए थे तो कुछ पूछा हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास में मत पड़ना प्रधान जी, क्योंकि अंधविश्वास, आप प्रधान एक गांव का राजा होता है, आप इस गांव के राजा हैं, अगर राजा ही अंधविश्वास में पड़ जाएगा तो फिर प्रजा तो पड़ ही जाएगी, इसलिए अंधविश्वास में बिल्कुल, अगर हुआ हो तो आप यस बोले और यदि ना हुआ हो तो आप नो बोले कि गुरुदेव ये नहीं हुआ है, आप ताली बजा सकते हैं। आप सभी के ऊपर पितृ दोष चल रहा है ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना बन जाएगी, आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे, ये मैं आपको दरबार से कह करके जा रहा हूँ, और यदि पितृ दोष की शांति और घर का कीलक नहीं करवाया आप लोगों ने तो आगे चल के नेक्स्ट नहीं ज्यादा दिन नहीं लगेगा 4 से 5 महीने के अंतराल में कोई संकट घर पे तुम्हारे आ ही जाएगा, और ऐसा संकट आएगा कि तुमने जीवन में भी सोचा नहीं होगा, इसलिए उपाय है कि घर का कीलक करवाएं और पितृ दोष की शांति कराएं, सो लौट के सिर में दर्द होगा जाओ वासी। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए बजरंग सरकार की जय, आप जा सकते हैं आशीर्वाद। अब नहीं हुए थे तो ये आप लोगों की दिक्कत नहीं, तो उसमें सबको लथेड़ा जाएगा। हाँ भैया ऐसा करो प्रधान जी कि आप कल मिल लो मुझसे, अर्जेंट मिल ही, ठीक है प्रधान जी, चलो जोरदार तालियों के साथ बोलिए बालाजी सरकार की। पुनः फिर से एक आदेश आ रहा है, देवकी नंदन तिवारी अगर फिर से हो तो आ जाइए, दो दो बार आदेश आया है, प्रथम भक्त हो तिवारी जी, देवकी नंदन तिवारी हो तो आ जाए, नहीं तो जय सिया राम है, जय सिया राम। बोलिए बजरंग सरकार की। और रुद्रेश्वर, अरे सल्लो बेचारी बड़ी दुखी है, सल्लो की घटना बहुत लंबी लंबी हुई है, मैं सब समझ पा रहा हूँ, बेचारी बड़ी दुखी मताई है, अरे राम राम, रो मत माता जी, मुझे रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर मेरे सामने कोई रोए तो मुझे भी मेरे आंसू निकल आते हैं, रो मत माता जी, बाबा कृपा करेंगे आशीर्वाद। ये क्या नाम है इस कबड्डी का, गुमानी भाई हाल है, अच्छा स्कूल की लड़की है, किसी ने तुम्हारे घर में बेटा फांसी लगाई थी, हाँ या ना, मैं जवाब दूँ, किसने, भाई का नाम अरविंद था, जोरदार ताली, कैसे लगा रही थी, शादी के बाद या शादी के पहले, तो वो भौजाई कहाँ है, कौन सी जगह मारे पास, तुम्हारे पिताजी का नाम हरिगोविंद है, जोरदार ताली मिलाएंगे, तुम्हारे पिताजी का नाम हरिगोविंद है या नहीं है, क्या नाम है, माइक से बोलो, पापा, हाँ, तुम्हारे पिताजी भी खत्म हो गए हैं, घर पर दिक्कत जो बनी हुई है बेटा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं इनकी जो मैं अभी माइक से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, अब तुम ये कह देना कि महाराज तुम्हें आता जाता कुछ नहीं, जो तुमने बोल दिया, सो चाहे ये कह देना चाहे जो कह देना, सुबह आकर के घर का थोड़ी सा कचड़ा लाके किसी भी जगह अपने घर पे झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाने के बाद घर का कचड़ा लाना और मेरे पास ले आना 11:30 बजे के बाद, महाराजपुर चौरसिया धर्मशाला में माता जी आ पाना, मैं चौरसिया धर्मशाला में रुका हूँ, ठीक है, चौरसिया धर्मशाला में ये लोग रुके रहते हैं मेरे साथ, ये महेंद्र भी रुका रहता है और राजा भी रुका रहता है और भी कई ऐसे लड़के हेमंत लोग रुके रहते हैं, तो इन बच्चों से संपर्क करके तुम एक बार घर का कचरा लेकर के मेरे पास आ जाना, मैं सारी समस्याओं का निदान कर दूंगा, माता जी रोना नहीं पड़ेगा, जाओ आशीर्वाद प्रसन्न होगी। बोलिए बालाजी सरकार।
तुम्हारे यहाँ का ये बहुत बड़ी कमी चल रही है, ऐसे ऐसे केस तुम्हारे यहाँ आदेश में आते हैं कि अगर मैं खोल दूंगा तो ये ध्यान। अगला क्रम रहेगा राजा मिश्रा की वोट पे ले आना। कहाँ गए, बैठे हैं कि चले गए? चले गए चलो तो अगला क्रम रहेगा आशीष बिदुला का। पर्चा बनेगा तो बताया जाएगा कि आशीष बिदुला कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं। बोले वाला जी सरकार की जय। जय नहीं, आशीष बिदुला की ज्यादा पक्ष रहा रहे थे, विचार ना पर्चा खुल गया है आशीष बिदुला। क्या भाई जमीन कहाँ बची आपकी? जमीन बरेठी है। कहाँ पर? बरेठी बची है जी। किसकी है? मतलब बब्बा की, हमारे पापा के नाम है जी। एक ही प्रश्न आया पड़ी है। मैंने लिखा अर्जी स्वीकार है आपका, काम सिद्ध, तीन भाई हैं, पूर्वजों की जमीन मिलेगी, बहुत जल्द आशीर्वाद है। बोलो ब्रह्मेश्वर धाम की। बोलिए बालाजी सरकार की। बोलिए सच्चे दरबार की। मैंने आपको पहले ही बताया जो मैं की श्री समाधि वाले बाबा की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम तो थोड़ा तेज बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो सकता है मैं किसी को फोन नंबर से नहीं, आधार कार्ड नंबर से भी उठा सकता हूँ, ये मेरी, मैं आधार कार्ड नंबर, हो सकता है मैं बैंक के एटीएम के गुप्त नंबर से भी उठा सकता हूँ, पर मुझे मत दे देना नहीं तो मैं खाली ही कर लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण तो होता ही है, ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य। एक बार एक कोई हमारे पास भक्त आए, जरा छोटी सी बात सुनो, एक बार हमारे यहाँ कोई भक्त आए, बोले महाराज पर्चा बनवाई का लगत हमने, यार भाई सब कछु नहीं लगता। अरे महाराज बताओ का लगत, यार कुछ नहीं लगता, निःशुल्क पर्चा। बोले महाराज बताओ कछु, हमने यार ये तो बहुत बड़ा दयालु भक्त है। हमने कहा भाई साहब पैसे लगता तो कुछ नहीं है, अगर देना चाहते हो तो हम ब्राह्मण हैं, चाहे जो कुछ दे दो, जगह जमीन गाड़ी घोड़ा बंगला मकान बाल बच्चे भर छोड़ के चाहे जो चढ़ाओ जाओ। हमने कहा बच्चों बस को छोड़ के चाहे जो चढ़ाते जाओ सो स्वीकार है, भाई हमारा तो काम ही है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये सब पूज्य आचार्य जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस दिन मैं आप अपनी घटना बताऊं, मैं जब परमेश्वर से, जब मुझे कोई नहीं जानता था, मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, साइकिल पे चलता था, जिस दिन मैं पंडोकर सरकार गया था, 72 दिन में लाइन पर बैठ करके प्रसाद पाता रहा, जिस प्रकार से हम आप बैठे हैं ऐसे बैठ करके प्रसाद पाता था। एक दिन गुरुजी निकले कहीं के लिए, तो गुरुजी का गाड़ी आई, तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी आती, करत पुलिस की गाड़ी, मैंने देखा गुरुजी आए तो मैं पीछे से पड़े, गुरुजी को किसी ने माला पहनाई, दोनों उतार के डायरेक्ट मेरे गले में डाल दी, जल्दी जल्दी में। मैं अपने आप को बड़ा भाग्य समझा और उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि अब हाथी मान जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी, अब हमारे ऊपर हाथी बांधी महाराज की कृपा बरसेगी, अब बरसेगी हाथी बांधी महाराज की कृपा। गुरुजी ने हमको एक दिन, ऐसे ही हम खड़े थे तो गुरुजी के हमने चरण पकड़ लिए और गुरुजी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे कि गुरुजी कृपा अगर कुछ हो हमारे ऊपर, हम भी चाहते हैं कि हम भी लोगों का सनातन धर्म की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, हमें कुछ ऐसा पर बाबा हमें भी गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए कि जिसमें हम सनातन। बोले बेटा अभी तुम बच्चे हो, हमने कर लियो, तुम लगाओ 5 साल की उम्र से, हम 18 के हो गए, तुम कहा तुम्हें बच्चा हो, तुम 5 साल की उम्र से दरबार लगा रहे हो, हम 18 साल में कह कह रहे बच्चा हो। अरे गुरु जी कर दीजिए कृपा, में बड़ा आदर, मैं रोने लगा गुरु जी से, तो गुरु जी ने हृदय से लगा लिया और कहा कि जाओ 10-12 दिन बाद हमारे पास मिलना, वहाँ पर हम आपको कुछ बताएंगे। तो गुरु जी ने जा करके अपने जब कक्ष में बुलाया तो 2.5 से 3 घंटे में कक्ष में बैठा रहा, बैठे 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 एक गुरुजी ने मुझे सेब दिया, बोले बेटा इसको खा लो, मैं सेब को खा गया।
अब भैया आप भरोसा नहीं मानोगे, मैं इतना भूखा था भाई, वो तो खिचड़ी प्रसाद पूरी प्रसाद रोटी प्रसाद मिलता है, लेकिन इतनी गर्मी में गए थे सो भूखन भी मरते हो, भूख भी ना लगो करती ज्यादा। हमने जैसे वो फल खाया, फल खाने के बाद गुरु जी बोले कैसा लगा, हमने कहा महाराज जी पहली सेब तो बहुत खाई लेकिन ऐसा सेब पहली बार खाया है जो आपने दिया है। हमने कहा ऐसा सेब पहली बार खाया, गुरु जी ने हृदय से लगा लिया, गुरु जी समझ गए। देखिए कहते हैं परमात्मा सबके भाव को जानता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपटी ऐसे लोगों को परमात्मा हृदय में नहीं रखते हैं जिनके पास द्वेष भाव छल कपट ईर्षा मद। भाई हमारे घर में लाइट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के घर में उजाला नहीं रहना चाहिए, इससे दिक्कत लोगों को ज्यादा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें जीव के ऊपर दया आने लगी तो समझ लीजिए तुम्हारे हृदय में भगवान ने वास कर लिया है। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए बजरंग सरकार की। एक घटना बहुत लंबी निकल करके आ रही है, शायद हो सकता है उस घटनाक्रम का आपको दिनांक की तारीख भी दे दूं कि किस दिन को यह घटनाक्रम हुआ था। जिसका भी नाम लल्लू राय और जिसका भी उनका वो विद्या राय हो, ऐसी कोई माँ बहन भाई बंधु यहाँ पर बैठे हों तो वो यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं जोरदार तालियों के साथ। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए सच्चे दरबार की। जी जिसका भी नाम लल्लू राय हो, जिसकी भी ये पत्नी है या कौन है, विद्या राय कौन है, इनकी पत्नी है बुलाओ। खुश रहो, आशीर्वाद। रोना नहीं है यहाँ पर, देखो भाई साहब रोने का स्थान नहीं है। अगर बालाजी ने आज हजारों की जनसंख्या में भक्त बैठे हुए हैं और अगर हजारों, भैया जरा दिखाना कैमरा, दिखाओ यहाँ पर कैमरा, दिखाओ सबको कितने कितने भक्त बैठे हुए हैं, हजारों की जनसंख्या में यदि बालाजी ने आपको बुला लिया तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। और किसी को भी बुला सकते थे, नेहा को, पूजा को, सीता को, गीता को, रश्मि को, अंजलि को, राम भाई, श्याम भाई, सल्लो, मल्लो, रंबो, कल्लो, किसी को भी बुला सकते थे लेकिन किसी को नहीं बुलाया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप रोगे मुझे भी दर्द होगा, अंदर से मैं दरबार विराम कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, मुझे सब कुछ पता है, जिन जिन व्यक्तियों ने षड्यंत्र किया उनके नाम भी मेरे पास हैं। यहाँ मैं दे सकता हूँ, मेरे पास हैं जिन जिन व्यक्तियों ने इस बच्चे के साथ में षड्यंत्र किया है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, न्याय मिलेगा, तुम चिंता मत करो। रोइए नहीं, आप शांति पकड़िए। केतकी नाम की लड़की ने अभी कुछ दिन पहले डाई पी ली थी, आया नाम है, जवाब दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। कोई बात नहीं है, आपको एक दिन दरबार में आना पड़ेगा, आप मेरे पास यहां तो मैं किसी का कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द तुमको दो हफ्ते के अंदर अंदर नहीं तीसरे हफ्ते में तुमको न्याय मिल जाएगा, आशीर्वाद है। मुझे पता है कि ये घटना सत्य है और जिन लोगों ने किया है वो लोग भी मेरी आवाज को यदि सुन रहे हो या ना सुन रहे हो तो उन लोगों की भी तैयारी सिक्स रोटी और फिक्स दाल की हो रही है, अब ध्यान देना। बोलिए बालाजी सरकार की।
उनकी भी तैयारी सिक्स रोटी फिक्स दाल समझ गए होंगे तुम लोग। हाँ, जिन लोगों ने इतना बड़ा अन्याय किया है, केतकी नाम की लड़की की डाई फेंकर के मृत्यु हुई, जिसकी दिनांक तारीख रही 13/2/2024। जोरदार ताली के साथ 13/2/2024 को आपके साथ ये घटना हुई थी। आपको तीसरे हफ्ते के अंदर अंदर न्याय मिल जाएगा, जाओ आशीर्वाद। बोलिए बालाजी सरकार की। एक और लड़की है क्या? कहाँ है वो? कहाँ है बेटा? क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। ओ निशा, निशा खा भाई भूसा। ये तो विनोद की बात है, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, और कोई है परिवार में? दो बच्चा, दो बच्चे की फोटो बताना, जो बच्चे खत्म हो गए। बोलिए बालाजी सरकार की। जोरदार ताली तो बजाती रहो। दरबार को ग्राम किया जाए कि चलने दें? आप लोग तो बड़े वाले निकले भैया। बोले पंचमुखी महाराज की। बच्चे इतने रह गए, हमारी घड़ी काम नहीं कर रहा था, हम सौंप के लाने। बोलिए बजरंग सरकार की। गुरु जी ये नहीं है, ये मोबाइल मैंने 3 महीने पहले ये रखा, सुबह फोटो लेकर के मेरे पास आया। ठीक है जी। रोना नहीं है माता जी, है आप चिंता ना करो, बालाजी आपको न्याय देंगे। जब आपको बुलाया है तो वो न्याय देंगे ना। चलो आशीर्वाद। बोलिए श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। भैया शोर मत करो माता जी। अनिल यादव कोई हो आ सकते हैं? अनिल यादव कोई हो तो आ सकते हैं। बोलिए बालाजी सर। Thank you.
बोलिए बालाजी सरकार की। आइए, जिसके भी जिसका भी नाम चेतू जगतराज रामदयाल पालो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है। जिसका भी नाम चेतू जगतराज रामदयाल श्रीरामदयाल हो तो वो आ सकता है। जगतराज रामदयाल पाल जी आओ आज जी बंदा तैयार हमसे नहीं चले। बोलिए बालाजी सरकार की। बब्बा तुम नहीं आओ, जो शराब पीता हो उनको भेजो, ताली बजाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। माइक से बोलोगे गैर माइक के, गैर माइक के बोलोगे माइक से। तुम दमदार हो सो बोलो ना दमदार। शराब लेते हो कौन सी, लाल पीली सफेद के करिया के सब मिला के रखती है। माइक बोलो उतार दो भाई। कौन सी माइक से बोलो। अरे बताते हम बोलोगी यार, डीपी कहते बैठ के तो और शराब नहीं। हम क्यों कहा बात करें, बोले हमें तो बोल ले माइक से बोले। अरे राम भाई आज के बाद तो नहीं पियोगे सर आप, कान पकड़ो। बोले गलती हो गई, माइक से बोलो गलती हो गई, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे पक्का। तुमको पता है तुम्हारे पिताजी हैं बब्बा हैं वो कितने दयालु आदमी हैं। पिताजी हैं ना दयालु हैं क्या नहीं है, दूध का बिजनेस करते हैं ना। तुम्हारा नाम क्या है, चेतू के जगत राज। चेतू हमें पता बताया तो नहीं। जोरदार ताली बजा। आज के बाद उन्होंने संकल्प लिया है कि ये शराब को नहीं पियेंगे, आज के बाद नहीं पियोगे, और अगर पियोगे तो तुम्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी पक्का आज के बाद। अच्छा मैंने एक और देखा, शराब वाले आदमी कभी जाकर के कुआ में नहीं गिर सकते। हाँ कुआ में नहीं गिर सकते, क्या है वो जानते हैं कि कुआ में गिर जाएंगे। जो पता है कि डायरेक्ट तेरह ही होने सीखी, उनको पता है कि अगर कुआ में गिर गए तो डायरेक्ट तेरह ही होने कुआ में। अच्छा मैंने शराब पीने वाले को देखा, हैंड पंप चलाएंगे वो, हेड पंप पकड़ो टू तो हेड पंप हुए धड़धड़ा के आदमी निकल बोले भैया जरा इसको ड्रोन कैमरे को बेटा ऐसा मत करो लाइट करंट ना जाए। बोले के दारू गपी है ऐसा मत करो भैया, शराब मत पियो। आज यज्ञ नारायण भगवान क्या पता इसीलिए हमको भेजा हो कि आज से तुम्हारी शराब छूट जाए। ज्यादा आशीर्वाद है, और अगर तुम्हारा मन लगे कि हमें शराब पीना है तो तुम मेरे पास आना, मैं ब्रह्मेश्वर धाम की भभूति दे दूंगा, ब्रह्मेश्वर धाम की सिद्ध हवन की भभूति दूंगा, तुम्हारी इच्छा कभी नहीं होगी। आशीर्वाद है। प्याज लहसुन मांस मदरा शराब प्रत्येक भक्तों को बंद रखना। जो भी भक्त चाहते हैं कि हमारा नंबर आवे, हमारी भी अर्जी लगे, हमारा भी दिव्य दरबार में पर्चा बने, तो एक बात याद रखना आप लोग। अच्छा कल दिव्य दरबार लगाना है कि नहीं लगाना है, कितने लोग चाहते हैं एक बार कमेटी से भी पूछना पड़ेगा ना भाई। कमेटी कह देगी तब तो, नहीं तो कहेगी महाराज हमने तुम्हें दरबार लगाया हम लाओ के कथा सुना के। जब कमेटी कह देगी तो लगा देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आदेश आ चुके हैं हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज एक बात याद रखना, जिसके भी नंबर आ गया है नहीं आया है कल, वो लोग एक एक नारियल एक एक लाल कपड़ा घर से बांध करके लेके आएंगे। और एक बात याद रखना, नारियल कपड़ा में कोई अपनी समस्या लिख करके नहीं डालेगा। कई 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 लोगों को मैंने देखा कि समस्या लिख करके डाल देते हैं, नहीं मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर बालाजी में ताकत होगी तो आपकी समस्या आपके पर्चे पर होगी, यदि नहीं ताकत होगी तो नहीं होगा। आप लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष, इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारना, दिव्य दरबार का आनंद लेना, घर पर प्रतिदिन घी का दीपक जलाना बालाजी के नाम से, समाधि वाले बाबा के नाम से, और पूज्य श्री हाथीवान जी महाराज के नाम से। एक बात
बोलिए श्री ब्रह्मेश्वर धाम की। अरे बोलिए श्री बालाजी सरकार की। विनोद विनोद ना हो, आइए विनोद जी। खुश रहो। क्या नाम है? मोबाइल चलाते हो ना? जोरदार ताली बजाइए। तुम्हें पता है कि गुरु जी बता सकते हैं कुछ गलत नहीं बता सकते हैं। वही बताएंगे जो तुम्हारे पर्चा हमें सीमित लगेगा। हमारे पास एक अच्छा पढ़ाई भी करते हो, जॉब की तैयारी कौन कर रहा है? कोई प्रश्न है जॉब से संबंधित? एक पर्चे पर आया आर्थिक की समस्या, जॉब का प्रश्न, मनोज की शादी। जोरदार ताली बजाइए। बोलिए बालाजी सरकार की। नाम क्या है तुम्हारा? पापा क्या करते हैं? मनोज कहाँ है? मनोज, ओ मनोज, मनोज जी बड़े हैं छोटे? चलो आशीर्वाद, खुश हो। क्या पहने हो? हनुमान जी की मूर्ति है? अच्छा, कृष्ण जी की होश हो जाते है ना? ये पहने हाथी श्याम कहाँ से लाए थे? खाटू श्याम गए थे क्या? कब गए थे? खाटू श्याम में भी हमारे पूज्य महाराज जी श्री का बहुत बड़ा मंदिर है। चलिए पकड़िए, आशीर्वाद है, खूब खूब आगे बढ़ो। ब्रजेश पटेल पिता ब्रजमोहन पटेल अगर हो तो आ सकते हैं। ब्रजेश, ब्रजेश पटेल हो बोलिए बालाजी सरकार की। हो सकते हो, क्योंकि अब हमारी भी पछाए से करियाई प्राण लगी है। ब्रजेश बैठे भी होंगे तभी हाथ ना उठा है। हो सकत ब्रजेश बैठे भी होए तो हाथ ना उठा रहे हो। ब्रजेश, जिसका भी नाम ब्रजेश हो, जिसके भी पिता का नाम ब्रजमोहन हो, आ सकते हैं। वो है कोई ऐसा व्यक्ति? ओ ब्रजेश, बोलिए श्री बालाजी सरकार की। ब्रजेश आ रहे कि ब्रजमोहन? उनके बड़े भाई आ रहे। अरे बड़े भाई को मत बुलाओ ऐसा कुछ। ब्रजेश, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की कल विजय ब्रजेश का पर्चा दिया जाएगा, ये रखा है। अगर बालाजी का आदेश होगा, आज इस दिव्य दरबार को यहीं पर विराम किया जाता है। बालाजी सरकार की खूब खूब कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहे। अनंत बल बढ़ाओ, हमसे पहले तुम और भग जाओ। बोलिए श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। दिव्य दरबार का निरंतर आप लोग आनंद ले रहे हैं। बालाजी सरकार की खूब कृपा बरसती रहे, खूब खूब आशीर्वाद हो एवं बालाजी सरकार आपके ऊपर खूब कृपा बरसाए रखे। ब्रह्मेश्वर दिव्य दरबार में किसी की यदि भैया अपमान हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और यदि सम्मान हुआ हो तो आप हमारे सिर पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बालाजी सरकार की खूब खूब कृपा एवं दया बरसती रहती है। घर पर त्राटक की क्रिया है, लाओ। भैया
बोलिए बालाजी सरकार की। घर पर कराटक की प्रिय क्रिया है, ऊपरी बंधन ऊपरी क्रिया है, लगवाई गई क्रिया है, अपनों का ही उसमें हाथ है। गुरुजी ब्रजेश आपकी आज्ञा हो तो मंच पर भेज दें, जाओ भेजो ब्रजेश था, हाँ भेजो ब्रजेश को भेजो भैया, न्याय पर्चा ले आओ खाली, आओ ब्रजेश। बोलिए श्री बालाजी सरकार की। आओ ब्रजेश आओ, कहाँ है ब्रजेश? ब्रजेश तुम रह गए बेटा शीश, अभी आपका पर्चा नहीं बन रहा क्योंकि आदेश नहीं है, जितने लोगों का पर्चे का आदेश है। ब्रजेश के पिता ब्रजमोहन, बोलो बेटा बेटा, मैं मेरे पास कल आ जाओ दिव्य दरबार में, कल देखा आप टेंशन मत लो मेरी बहन, मैं आपका भाई हूँ, मैं पूरी निराकरण कर दूंगा, आप चिंता मत करो, कल आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? कौशल्या रजक, कहाँ की हो दीदी? वो यहाँ किसके पास आई हो दोबारा से? नहीं तो यहाँ किसी के पास रिश्तेदारी है क्या? जीजा जी है तो बेटा कल जीजा जी को लेकर के, आपके हस्बैंड कहाँ है? अपने हस्बैंड को लेकर के, जीजा जी को लेकर के और चौरसिया धर्मशाला में कल 11 बजे मिलेंगे, अगर आपको जल्दी है तो, नहीं तो कल भी यही होगा कि आपको नंबर लगाना पड़ेगा, अगर आ गया आदेश तो आपको बुला लिया जाएगा, नहीं आया तो जय सियाराम। बेटा सुबह आ जाओ चाची को लेकर के, है ना?
भोपाल में है, फोटो दिखा दो, अभी दिखा दो, यहाँ फोटो दिखा दो, गलत तो नहीं दिखा पर्ची में। अब बताओ जो हमें जो बताएंगे ना, जे बी पटेल जहाँ भी हो बच्चे से आप कर रहे हैं, मंच पे आ जाए। पढ़ो उसको ब्रजेश, क्या लिखा है तुम्हारे पर्ची पे, किसी को पढ़ के ना सुना, तुम पढ़ो, बोलो बच्चे तलवार की, यही लिखा मैं कही तुम लास्ट में नहीं, बोलिए श्री ब्रह्मेश धाम की, कल आयो कपूर का है बेटा। चलो अंतिम क्षण पर हम ब्रह्मेश्वर बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि जहां से हमारी सर्वशक्ति प्रेतराज बाबा हाथीवानी बना समाधि वाली बाबा, जहां से भी आए सब अपने अपने स्थान पर चले, अपने अपने स्थान पर बालाजी सरकार की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बरसती रहे एवं हाथीवानी महाराज की। आप अपने अपने हाथों को ऐसे ऊपर कर लें भैया, अंगूठे को अंदर कर लें, छोड़ दें, अब नीचे कर लें हवा, जय श्री राम, पंखा बंद कर।